चलो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपुल एज रिसोर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था कि पीपुल एज रिसोर्स का मतलब आप क्या समझते हैं। तो पीपुल एज ए रिसोर्स इज ए टर्म दैट मीन्स हाउ द पॉपुलेशन कैन बी एसेट एंड नॉट ए लायबिलिटी। मतलब ये हम लोग बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं कि एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति होता है, और लायबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है, कर्जा हो जाता है। तो पीपुल कैसे एसेट हो, लायबिलिटी नहीं हो, इसी को हम लोग क्या लेते हैं, पीपुल एज ए रिसोर्स लेते हैं। इट इज वे ऑफ रेफरिंग टू द वर्किंग क्लास ऑफ सोसाइटी। एक्चुअल में पीपुल एज ए रिसोर्स हम लोग वर्किंग क्लास को बोल सकते हैं, जो 15 ईयर से ज्यादा का हो, 59 साल से कम का हो। ठीक है, द पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल वेन एन इन्वेस्टमेंट इज डन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब ह्यूमन मतलब पीपुल को आप पैसा में कैसे तब्दील कर सकते हैं, जब उसको अच्छा टीचिंग और ट्रेनिंग आप उसको प्रोवाइड करेंगे, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी देंगे। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन का आंसर में कोई दिक्कत? पहला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, हाउ इज ह्यूमन इसे डिफर फ्रॉम द रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। देखिए, अब फिजिकल कैपिटल मतलब क्या है कि आपके पास पैसा है, 10 लाख रुपया है, ठीक है, और 10 बीघा जमीन भी है, 10 बीघा जमीन भी है। अगर आपका बेटा, मान लीजिए कि आपका सन है, उसको आप नहीं पढ़ाए लिखाए हैं, तो वो क्या करेगा, उसके पास सेम ही 10 लाख रुपया रहेगा और 10 बीघा जमीन रहेगा, वही चीज करता रहेगा, उसमें प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने बेटे को आप पढ़ाते हैं डॉक्टर इंजीनियरिंग, तो हो सके कि 10 लाख के बाद 1 करोड़ भी आपके पास इकट्ठा हो जाए और 10 बीघा के बाद 100 बीघा भी इकट्ठा हो जाए। समझ गए? इसी कारण क्या माना गया है कि ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल और लैंड रिसोर्स से। समझ गए ना? मतलब ये हम एग्जाम्पल देने के लिए समझाएं, इसको तुम लोग लिख भी सकते हो एग्जाम्पल में भी इस तरह का केस स्टडी को। ह्यूमन रिसोर्स आर डिफर फ्रॉम द अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल बिकॉज ह्यूमन बींग कैन बी यूज अदर रिसोर्सेज टू गिव आवर प्रोडक्टिव आउटपुट। मतलब कैसे, एग्जाम्पल में सकाल और उस वाले में दिखाया था कि आदमी पढ़ लेने के बाद क्या करता है, इसमें प्रोडक्टिविटी अपना ऐड करके 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर देगा अपने दिमाग से। कुछ बिजनेस करेगा, कुछ ये करेगा, 10 बीघा खेत है तो 50 बीघा खेत हो जाएगा उसके पास, है ना। अच्छा एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर खेती करेगा। अच्छा, देखे थे ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके आया था तो वो हुआ था, हाउ एवर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स फॉर दियर यूज एंड कैन नॉट गिवेन एनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट बाई द देम सेल्फ। मतलब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो लैंड और फिजिकल कैपिटल में कोई अपना प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं कर पाएगा। समझ गया ना? दोनों क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आया। पीपुल एज ए रिसोर्स नहीं समझ में आया उसको। चलो अब रोल ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, कैसे रोल ऑफ एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। एन एजुकेटेड ह्यूमन कैन बी कंसीडर्ड एज एसेट फॉर द इकोनॉमी नॉट ए लायबिलिटी। ये तो एसेट और लायबिलिटी वाला बार बार आएगा है। एसेट मतलब क्या होता है कि अच्छा पढ़ा लिखा आदमी समाज के लिए संपत्ति के समान होता है, अपने परिवार के लिए, नहीं तो अगर अनपढ़ रहेगा तो बोझ के समान है। समझ गए? एजुकेशन कैन हेल्प एन इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इट हेल्प इन इनहांसिंग द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या करता है कि आदमी अगर अच्छा पढ़े लिखेगा, मान लो कि अच्छा पढ़ लिखे वो आईएएस ऑफिसर ही बनता है, तो उसमें सरकार में जाके काम करेगा, तो उससे क्या है, सरकार को आईएएस ऑफिसर क्यों होता है, ताकि वो दूसरे देश के ऑफिसर से बात करके देश के इकोनॉमी को ग्रोथ कराए। अगर वो कोई बिजनेस करेगा पढ़ा लिखा आदमी, तो अंबानी अडानी बनेगा। समझ गए? अगर अभी भी भारत को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस तरह का बिजनेसमैन का आवश्यकता है, जो उसका मालिक है एप्पल का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, ये सब टेस्ला का, ये सब इस तरह का तो कंपनी कोई नहीं है। गूगल अकेले ही भारत के सब कंपनी के खरीद लेगा। इस कारण इंडिया के लोग को और पढ़ने का जरूरत है और इस तरह का बिजनेस करने का जरूरत है भारत में, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं। इट इनहेंस इंडिविजुअल
प्रोडक्टिविटी इन द टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब क्या करेगा कि पढ़ा लिखा आदमी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। कोई चीज बन रहा है तो देख रहे हो ना, आज से 50 साल पहले चलोगे तो आदमी क्या चलता था, बैलगाड़ी से चलता था या घोड़ा गाड़ी से चलता था, सबके पास तो नहीं होता था, लेकिन उसमें क्या है, क्वालिटी में चेंज आया, क्वालिटी में चेंज आया ना जी। अब हम लोग के यहाँ गाड़ी वाड़ी सब 4 व्हीलर वगैरह आने लगा, तो वो सब तो आदमी ही ना उसमें चेंजिंग किया है। धीरे धीरे आदमी पढ़ा, रिसर्च किया, चेंजिंग किया। एन एजुकेटेड पर्सन इज ऑल्सो अवेयर अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो हेल्थ और हाइजीन, हाइजीन मतलब साफ सफाई, और हेल्थ मतलब अपना स्वास्थ्य को लेकर भी ज्यादा जागरूक रहता है। अगर वो ज्यादा जागरूक रहेगा तो वो जहाँ काम करता है वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर अनपढ़ आदमी को रोजगार दे दीजिएगा तो उसको सर्दी होगा तो कहेगा नहीं, आ जाएगा, सबको सर्दी फैला देगा। समझ गया? नेक्स्ट, हेल्थ का क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? इफ एन इंडिविजुअल इज हेल्दी ही और सी मे हैव बेटर इम्यूनिटी टू फाइट इलनेस, मतलब जो आदमी हेल्दी है, देखिए ना कोरोना के टाइम में कि जो आदमी ज्यादा हेल्दी है उसको, सबको तो कोरोना नहीं हुआ है, 130 करोड़ आदमी भारत में है, सबको कोरोना तो नहीं हुआ है, 5% को हुआ है। तो जो हेल्दी आदमी है उसको कोरोना होने के बाद भी वो डिजीज से फाइट करेगा, इलनेस से फाइट करेगा, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होगा, वो बच जाएगा जान उसका। लेकिन जो अनपढ़ आदमी होगा, हेल्दी भी नहीं होगा, खान पान अच्छा नहीं रखेगा, तो वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाएगा। बींग हेल्दी विल ऑल्सो इंक्रीज द ओवरऑल आउटकम ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए ओवरऑल आउटकम, मान लो कि कोई आदमी 10,000 महीने का कमा रहा है, अगर वो महीना में 2 बार बीमार पड़ जाए तो हो सकता है कि 10,000 रुपया उसको उसी में खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर बीमार नहीं पड़ता है तो 10,000 से वो अपना दूसरा जरूरत का चीज पूरा कर सकता है, तो उसका आउटकम बढ़ेगा कि नहीं, समझ गए ना, आउटकम उसका इंक्रीज होगा। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क ही डज, मतलब जितना ज्यादा हेल्दी आदमी होगा उतना ज्यादा काम करेगा। ये सिर्फ मतलब चलो हेल्थ को हटा देते हैं एजुकेशन से, मान लो कि खेती में काम करने वाला मजदूर ही है, किसी को बुखार लगा हुआ है और धान का रोपनी कर रहा है, उतना तो नहीं रोप पाएगा जितना एक हेल्दी पर्सन आके उस धान को रोप सकता है। तो ऐसा हेल्दी होना एकदम जरूरी है, समझ गए? तो हेल्थ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है। दस बेटर हेल्थ विल इंक्रीज इफिशियंसी, समझ गए? व्हाट पार्ट डज हेल्दी हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ? इफ एन इंडिविजुअल इज हेल्दी ही और सी कैन एबल टू गिव ए बेटर आउटकम इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क लाइफ। इफिशियंसी ऑफ हेल्दी पर्सन इज हायर देन डेट ऑफ द अनहेल्दी पर्सन, वही चीज बता रहा है। इफिशियंसी हायर कहने का मतलब क्या होता है कि कोई मतलब आदमी को हम ईंटा ढोने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, उसको बुखार लगा हुआ है, वो 5 घंटा में 50 100 ईंटा ढोया, और जो हेल्दी आदमी है वो आपको 5 घंटा में 1,000 ईंटा ढो दिया, समझ गए? तो इफिशियंसी उसका हेल्दी पर्सन का बढ़ा हुआ रहेगा। ए हेल्दी पर्सन कैन स्पेंड मोर टाइम वर्किंग इन द कंपैरिजन टू अनहेल्दी पर्सन, अब जो आदमी मतलब तबीयत खराब है, ड्यूटी जाएगा तो तुरंत वहां से भागेगा कि तबीयत खराब है, लेकिन जो हेल्दी पर्सन होगा वो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा वर्किंग भी करना पड़े तो वो आराम से करेगा। सो हेल्थ प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? नेक्स्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, तुम लोग को याद रखना है। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं ना, जैसे हम बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, अभी एलएलबी कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर लोग नहीं बता पाता है। प्राइमरी सेक्टर किससे जुड़ा हुआ होता है, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी वाला आदमी ही ये सब अधिकतर चीज कर सकता है, फॉरेस्ट्री, पेड़ पौधा लगाना, एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पोसना, कुत्ता पालना, कुत्ता का बच्चा होता है उसको बाजार में बेचना, ये भी एनिमल हस्बेंड्री है, जरूरी नहीं है कि वो गाय भैंस ही पाले, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, समझ गए ना, ये याद रखना है आपको। मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है फैक्ट्री, एक्चुअल में बोलेंगे छर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री, सरफ फैक्ट्री, जितना भी चीज, लैपटॉप का फैक्ट्री, मोबाइल का फैक्ट्री, बल्ब का फैक्ट्री, पंखा का फैक्ट्री, समझ गए ना, ये सब जहाँ भी प्लांट बैठा हुआ अगर बड़ा सा, वो फैक्ट्री है, बिजली उत्पादन करने वाला फैक्ट्री।
वो केस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्सियरी में ट्रेड, मतलब फैक्ट्री में सामान बन गया उसको बेचना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाके बेचना, ट्रांसपोर्ट भी देखे रहते ना कि हवाई जहाज से कैसे, या फिर जहाज से पानी वाला से कैसे माल एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा था, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर देखते हो कि LIC करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। एजुकेशन में जैसे टीचर है, ये भी टर्सियरी सेक्टर में आते हैं। एक्चुअल में जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिखा हुआ है ना, इस पूरे को हम लोग सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको उतना हार्ड काम नहीं करना है, कलम चलाना है, काम अपने आप होता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग में समझ ही रहे हो कि फैक्ट्री में वर्कर को तो काम करना ही पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क। एग्रीकल्चर में भी थोड़ा करना पड़ेगा भाई हार्ड वर्क, लेकिन इस वाले सेक्टर में थोड़ा हार्ड वर्क नहीं करना है। आराम से AC कमरा में बैठिए, AC गाड़ी चलाइए, एरोप्लेन चलाना, ये सब उतना हार्ड काम तो नहीं है। समझ गए ना आप? सामान यहाँ बना दिया, यहाँ से माल उठाना, दूसरे जगह ले जाके बेचना, उसको ट्रेड बोलते हैं, ट्रेडिंग करना। जैसे चाइना से ओप्पो वीवो का मोबाइल लाता है, इंडिया में बेचता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड हो रहा है। कोई गेहूं का ट्रेड कर रहा है, कोई बिस्किट का ट्रेड कर रहा समझ गए ना? तो प्राइमरी सेकेंडरी ये सब याद रखना भाई, बहुत लोग को नहीं याद रहता है बड़ा हो जाने के बाद भी। नहीं, विश्वास है ना, तो ये अपना गोलू है ना, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, उसे पूछ लेना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियरी, नहीं बता पाएगा, बता ही नहीं पाएगा। IAS भी बनना है तो आपको क्लास 6 क्लास से 10th क्लास का अगर आप NCERT का टोटल बुक रटे हुए हैं, तो आपका 99% चांस है कि IAS निकल जाएगा। उसको 11th 12th के बाद से उतना कोई खास मतलब नहीं है। 6th क्लास टू 10th क्लास दुनिया में कोई भी नौकरी चाहिए, भारत में खास करके सरकारी नौकरी चाहिए, तो 6th क्लास से 10th क्लास पूरा लाइन बाय लाइन रटा हुआ होना चाहिए। बस नहीं रटे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, अभी 9th 10th भी पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा है, समझ गए? क्योंकि 9th आपका 7th से रिलेटेड है, 10th आपका 8th क्लास से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम बता चुके हैं पहले, इसको नहीं बताएंगे। वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, मतलब वुमेन को काम करवा के पैसा लोग क्यों कम देते हैं? द वेज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग मैन एंड वुमेन हैज बीन मेजर कंसर्न फॉर सोसाइटी, वुमेन आर मोस्टली पेड लेस देन, वुमेन को मैन से लेस देन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हो सकता है कि भाई वुमेन का स्किल में कमी हो, आजकल देखते ही हो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, वुमेन को खाना घर में बनाना है, ये करना है, वो करना है, फिर मान लो कि जॉब लग गया तो वहां काम, तो आदमी जानता है कि उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाएगी अपने काम में जितना किसी मैन को देंगे हम तो। लेकिन अब के डेट में ऐसा नहीं है, अब मतलब अब IAS ऑफिसर आप बनिएगा तो वुमेन को कम मिलेगा और मैन को ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। टैलेंट है तो मिलेगा, लेकिन अगर अनपढ़ आप हैं तो हो सकता है कि उसमें, क्योंकि क्या होता है ना कि वुमेन सब थोड़ा बहुत फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होती है, मेंटली स्ट्रांग जरूर हो सकती है लेकिन फिजिकली नहीं हो सकती है। दिमाग आप उसको IAS रख दीजिएगा तो वो बढ़िया काम कर सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पे कमांडो है एक मेन में और एक वुमेन में कमांडो है, तो निश्चित तौर पे अगर दोनों को सेम ट्रेनिंग दिया गया है तो मेन वाला ज्यादा ताकतवर होगा। तो फिजिकली तो मतलब मान लीजिए कि थोड़ा कमजोर है, लेकिन मेंटली वुमेन स्ट्रांग हो सकती है और होती भी है। बहुत सारा कंपनी में CEO वगैरह वुमेन भी है, डॉक्टर बड़ा बड़ा है सब, तो वुमेन को ज्यादा कलम चलाने वाला ही नौकरी मिल रहा है, ठीक है ना? तो इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, उतना हार्ड चीज नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हो? अनएम्प्लॉयमेंट बताए थे ना कि जब आदमी काम करने का इच्छा हो लेकिन उसको रोजगार नहीं मिले काम, तो उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और रूरल और अर्बन दोनों एरिया में है, गाँव में भी है, शहर में भी लोगों को काम नहीं मिलता, ठीक है? ए सिचुएशन इन विच ए स्किल्ड एंड एबल पीपुल डू नॉट गेट गेनफुल वर्क एट डिसेंट वेजेज इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है कि उनको काम भी मिल गया, लेकिन भाई अगर तुम इंजीनियरिंग किए हो और 5,000 रुपया महीना कमा रहे हो तो क्या ही तुम्हारे लिए ठीक है? नहीं ठीक है, तो तुम भी अनएम्प्लॉयड ही कहे जाओगे। बोथ हैव रूरल एंड अर्बन एरिया, बोथ हैव अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस
केस ऑफ रूरल पॉपुलेशन देर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कल पढ़े थे कि जो गांव में होता है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन शहर में पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड का कल हम बताए थे ना जी, कि मान लो कि एक एरिया है, खेत है तुम्हारा 5 बीघा, और तुम 100 परिवार वहाँ जॉब कर वहीं खेती कर रहे हो, लेकिन वो 5 ही आदमी का काम है जो 100 आदमी मिल के कर रहे हो, तो इसमें एक्स्ट्रा जो आदमी काम कर रहा है 5 को, वो क्या कहलाएगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि 3 महीना धान रोपाया, फिर 3 महीना कटने का वेट कर रहा है तो रोजगार नहीं मिल रहा है, घर बना किसी का बिल्डिंग फिर बेरोजगार हो गया, अगला घर खोजने में मिस्त्री सब, तो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन पेकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन फेनोमेना इन इंडिया। यूथ विल मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएट एंड क्रॉस ग्रेजुएट डिग्री आर अनेबल टू गेट जॉब इन इंडिया। दिस इज बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एबल एनी वन एबव द एज ऑफ 18 ईयर एलिजिबल टू वर्क। दिस लीव्स द यूथ अनस्किल्ड एंड अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयड। इट इज इम्पॉर्टेंट दैन द इंडिविजुअल डज नॉट ओनली हैव अ डिग्री बट मस्ट हैव अ स्किल इनफ टू गेट ए जॉब। मतलब भारत में योग्यता क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आपको नौकरी मिलेगा, इसी कारण भारत में लोग बेरोजगार हैं। अगर भारत में ऐसा रहता कि काम आएगा तब बेरोजगार रहता था, आदमी काम सीखता, जिसके पास स्किल है चाय बनाने का भी वो भी 5,000 कमा रहा है, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होके भी 10,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है आदमी, क्योंकि तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही खराबी है कहीं ना कहीं। समझ गए? इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? तो क्या बोल रहा है कि इंडिया में तो 3 प्रकार का सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर लाइवलीहुड। एट देर इज मैसिव स्कोप ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हेंस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ए सेकेंडरी एक्टिविटी इज इट इज वन विच मैक्सिमम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी गिवेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्री। मतलब क्या है, भारत सरकार को बहुत फैक्ट्री को अपने यहाँ लगाना चाहिए। मेक इन इंडिया नारा सुने होंगे कि चाइना में जो भी कंपनी है उसको मोदी सरकार इंडिया में बुला रहा है, ताकि अगर फैक्ट्री लगेगा तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा इंडिया में रोजगार एग्रीकल्चर में ही दिया जा सकता है। देखो ना अमूल क्या कर रहा है, अमूल अमूल में लगता है कि 10 लाख लोग काम करते हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। अमूल क्या करता है, दूध का ही तो सब चीज प्रोडक्ट बना रहा है। उस तरह का बिजनेस करिए एग्रीकल्चर में भी अगर आप हैं तो, नहीं पड़िएगा उस तरह का। समझ गया ना, सुधा भी वही चीज कर रहा है। देखो इसमें क्या बताया ना कि 11 नंबर में कि इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड ए पेकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट एजुकेटेड लोग इंडिया में अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, तो यहाँ पे देखिए कारण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया लेबल्स एनीवन एबव द एज ऑफ 18 ईयर एलिजिबल टू वर्क। क्योंकि इंडिया में जो भी आदमी 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है उसको ऐसा मान के सरकार चलती है कि आदमी काम कर सकता है। दिस लीव्स द यूथ अनस्किल्ड एंड अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयड। भारत में ये एलिजिबिलिटी रहना चाहिए था कि आपको काम करने आना चाहिए तब आपको, जैसे आर्मी का भर्ती हो रहा है आपको गोली चलाने आना चाहिए तब आपको रखेगा, कुछ कुछ है मतलब, अब दौड़ने आना चाहिए तब रखेगा, तो ये सब है ना। मतलब कि फैक्ट्री में काम करना, आपको काम आ ही नहीं रखा है तो रखेगा कौन? अब तुम ही लोग हो, साइंस में जितना भी प्रैक्टिकल है या सोशल साइंस में एक्टिविटी है जितना, ये सब तो कराया नहीं जा रहा है। कराया जाता तो अमेरिका बन जाता इंडिया है, सब जगह वही चीज पढ़ना। ऐसा नहीं है कि इंडियन आदमी अमेरिका के आदमी इतना किताब नहीं पढ़ा हुआ था, होता है, लेकिन यहाँ एक्टिविटी प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं, आपके पास स्किल कुछ है ही नहीं। जैसे इसमें दिया हुआ था ना जी कि जाइए अपने आसपास के हॉस्पिटल में कलेक्ट कीजिए डाटा,
कितना डॉक्टर है, कितना नर्स है, आपके आसपास कितना हॉस्पिटल है, स्कूल में जाइए देखिए मैन वुमेन कितना पढ़ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये सब तो कभी करवाया नहीं जाता एक्टिविटी भारत के साउथ आउथ में कुछ स्कूल है जहाँ ये सब चीज करवाया जाता है, यहाँ नहीं करवाया जाता है। नहीं करवाया जाता तो किताब पढ़ के आदमी इतना ही सीख सकता है, तो फिर वही चीज हो जाएगा। अगर एक्टिविटी कराया जाता तो आदमी शुरू से जानता कि कैसे क्या होता है, हॉस्पिटल का काम दिखाया जाता है कैसे होता है, हॉस्पिटल से डाटा निकाल के चेक करो कि सबसे ज्यादा ऑपरेशन किस चीज का यहाँ साल में होता है, पता चलता ना कि ये बीमारी भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है, इसका ऑपरेशन होता है, इससे बचने का क्या उपाय है, डॉक्टर सबको भी हेल्प हो जाता, लेकिन ये सब तो कराया नहीं जाता है भारत में। कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं उनको रोजगार कैसे दोगे, उनका अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर करोगे। मेक सेकेंडरी लेवल एजुकेशन मोर कैरियर ओरिएंटेड, मतलब 10वीं तक का ही पढ़ाई इतना स्किलफुल होना चाहिए कि बच्चे को 11वीं आते आते जॉब ऑफर होने लग जाए, समझ गए ना। दिस प्रैक्टिस विल नॉट जस्ट हेल्प इंडिविजुअल टू गेट एजुकेशन बट ऑल्सो इनहेंस देयर स्किल एंड गेट बेटर अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समझ गया ना। 10वीं तक ही इतना अच्छा पढ़ाई होना चाहिए कि बच्चा एकदम कंप्यूटर में मास्टर, ये इंग्लिश स्पोकन में मास्टर, ये मास्टर, उसको 11वीं में ही रोजगार ऑफर हो जाए। एंड कैसे हम तुमको बता रहे हैं कि 6 to 10 क्लास भी आदमी को नहीं याद रखता है, आईएएस का एग्जाम में वही चीज पूछा जा रहा है, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, कुछ नहीं रहता, वही प्रॉफिट लॉट परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नंबर सिस्टम वही सब रहता है, लेकिन नहीं बनता है क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ा भूला आदमी यहाँ से, समझ गए ना। तो ये सब 6 to 10 क्लास एकदम इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट स्टेज में। एंड इंडिविजुअल शुड बी एबल टू चूज द सब्जेक्ट दैट सूट हिज और हर एबिलिटी, जो आदमी जिस चीज में माहिर है उसको वही चीज लेके 11th के बाद पढ़ाई करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। न्यू सब्जेक्ट एंड फील्ड ऑफ स्टडी शुड बी इंट्रोड्यूस, जैसे कि कैसे बता रहा था कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल से रिलेटेड कोर्स हो गया, या फिर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, ये सब में आजकल रोजगार ज्यादा है, तो आदमी को उस तरह फ्यूचर क्या क्या है, किस जॉब में कैरियर बन सकता है, उस तरह का पढ़ाई करना चाहिए स्कूल लेवल के बाद। कैन यू इमेजिन सुन विलेज विल बी इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी बट लेटर कैम अप विथ मैनी, स्टूडेंट मस्ट एंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ऑन एक्सपीरियंस, बोल रहा है कि कैन यू इमेजिन सम विलेज विच, ऐसा विलेज का तुम लोग एग्जाम्पल बता सकते हो जहाँ पे पहले कोई रोजगार नहीं मिल रहा था लेकिन बाद में वहां पे रोजगार बढ़ गया, मतलब कैसे गांव शहर बन गया, बीहटा कैसे है गांव शहर बन गया, इस सब का एग्जाम्पल दे सकते हो। बीहटा में क्या था, पहले खेती बाड़ी होता था, 5,000 कट्ठा जमीन था, आज 50 लाख है, कैसे हो गया ऐसे, आईआईटी खुल गया, इंडस्ट्री बहुत सारा हो गया, रेलवे स्टेशन है, बहुत सारा चीज है। विच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट, लैंड लेबर फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल, तो लैंड भी नहीं लेबर भी नहीं और फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज द बेस्ट कैपिटल, जिसमें आपको पैसा फंसाना चाहिए, समझ गया ना। वाल्वी भी डेवलप हो गया, उसके आसपास एम्स जैसा संस्थान डेवलप हो गया। रुक जाओ तुम लोग अब 1 मिनट, तो समझ गए ना तुम लोग कैसे मतलब पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी आप लोग स्टडी तो कर नहीं रहे हैं, वही चीज नीचे भी दिया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो सारा क्वेश्चन हो चुका है इसका, समझ गया ना। कल से मैथ वैथ का चैप्टर चलेगा, समझ गया ना।
ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है। SST हिंदी में है ना, तो उसको हिंदी में ही पढ़ो। देखो हिंदी वाला में देखो कि अब क्या है, अब ह्यूमन एज रिसोर्स दिया हुआ, तो ये सब चीज तो हिंदी में अधिकतर हम बताए ही हैं, तो उसमें दिया हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको एक बार बोल बोल के पढ़ो, वो सब दिमाग में घुस जाता है। चलो तो ठीक है, कल से मैथ हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।